पहले तो ये कि डू यू मिस डांसिंग ऑल द टाइम नाउ, मतलब उस समय पूरा टाइम करने को? हाँ, वो टाइम मतलब 8-8 घंटे हम लोग डांस ही करते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं करते थे. सो नो, आई डोंट रियली थिंक दैट आई मिस डांसिंग, क्योंकि जो फैशन में मैं अभी हूँ, जो फील्ड में हूँ, उसके अंदर डांसिंग बहुत ज़रूरी है. तो आई एम लकी दैट वे कि मुझे डांसिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है पहले. थोड़ी बहुत, मॉडेस्ट. सो कैसा रहा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस? रेस 3 वाज अ बॉल ऑफ इमोशन, बॉल ऑफ शूटिंग, लोकेशंस, एवरीथिंग. मजा आया होगा बहुत. किक एस इज द वर्ड, एंड आई लिटरली मीन इट, क्योंकि इट्स लाइक हम लोग ने बहुत सारे एसेस किक किए हैं फिल्म के अंदर. एंड नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इट्स बिकम लाइक अ फैमिली नाउ. तो अभी वो ना थोड़े विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि फिल्म जैसे खत्म हो रही है, अरे इसके बाद क्या करेंगे, सब अलग हो जाएंगे. हाँ, मैंने सुना वर्कआउट शेड्यूल सबका एक साथ था, आउटिंग शेड्यूल सबका एक साथ था. मतलब हम जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितने भी आउटडोर्स में, अगर समझो कोई ऐसे आउटडोर में गए हैं जिसके अंदर मेरा काम नहीं है, या कोई ऐसे आउटडोर में जिसके अंदर कोई और एक्टर का काम नहीं है, पर वी मेड श्योर दैट एवरीबडी इज देयर. सो ईदर सम पीपल आर वर्किंग एंड द अदर एक्टर्स आर हॉलिडेइंग. दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग एक्चुअली इन दिस फिल्म. वाह, सो वर्किंग विद सलमान अगेन, कैसा रहा एक्सपीरियंस सेकंड टाइम भाई के साथ? ये वो मेरा सबसे पहला रिएक्शन होगा, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू get a second chance to work with Salman Khan and so soon. So yes, it was amazing as usual. And हमेशा से, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सलमान सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप नई चीज़ें सीखते हो. ऐसा नहीं है कि मतलब वो पुरानी चीज़ें, देर आर नदर न्यू थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, बट देर इज़ वन थिंग विच ही इज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट. और हमेशा से उन्होंने मुझे बोला है कि जब भी है ना, खुद को बेटर करने में अपना टाइम गवाओ, अगर आपको गंवाना ही है तो वो कहीं ना कहीं तुमको फायदा देगा. वी कैन डेफिनेटली सी दैट के फिल्म आफ्टर फिल्म, मूवी आफ्टर मूवी, आपकी एक्टिंग, डांसिंग, ओवरऑल जो पर्सोना है स्क्रीन पे, वो और वास्ट होता जा रहा है. ये वाला भी एक्चुअली फील लाइक अ सिंगर राइट नाउ. नहीं नहीं, यू शुड गिव इट अ ट्राई सम टाइम, यू नो. ये भी कर लिया. नहीं, व्हाई माइंड, यू कैन डू दैट ना. अभी तो सब भाग जाएंगे. नहीं नहीं, वी विल नॉट रन, दरवाजा बंद है. टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, संजना का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, पूरा तो ऑब्वियसली आप बताएंगे नहीं, बट क्या स्टाइल है उसकी, उसकी क्या चॉइसेस है, कितना क्लोज है आपके कैरेक्टर से? संजना वैसे देखा जाए तो एक क्वालिटी जो है, जो मुझसे रियल लाइफ में बहुत कनेक्ट करती है, कि शी इज रेज्ड एज वन ऑफ द बॉयज ऑफ द फैमिली, एंड दैट्स माय रियल लाइफ आल्सो. आई हैव बीन, यू नो, रेज्ड एज घर का बेटा, नॉट घर की बेटी. तो वो थोड़े बहुत ए चलना ए, सो बॉयज का जो एक स्वैग होता है ना, कि कट्टरपना जो होता है, वो संजना में भी है और मेरे अंदर भी है कहीं ना कहीं. तो वो एक चीज मुझसे रिलेट करती है संजना की. बट अदर देन दैट, व्हाट आई रियली लव अबाउट माय कैरेक्टर इज दैट शी इज दिस गर्ल हु डजंट बैक डाउन. शी इज अ गर्ल हु इज राइट देयर, अगर उसके सामने 10 आदमी भी खड़े हैं, शी वांट्स टू फाइट. सो उसके अलावा ये जो पूरा शेड्यूल रहा, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए लोगों के, लाइक बॉबी देओल्स जॉलाइन, साकिब सलीम, बॉबी इज अ टॉपिक नाउ राइट, नो नो नो, बीव्ड अप यू, मतलब क्या ऐसा कुछ शेड्यूल बनाया था कि जी सलमान के साथ जाना, चलो एक्स्ट्रा कैलोरीज और प्रोटीन्स लेके चलते हैं, वहां पे सब बर्न हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली दिमाग में पहले से था, सी इट ऑलवेज टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक अ मूवी. तो रेस एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके अंदर यू हैव टू लुक गुड, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट स्टाइल एंड ग्लैमर. यस, सो यू लाइक अजीब सी बॉडी अगर आपकी होगी तो आप रेस के लिए फिट नहीं. सो दैट वी हैड टू कीप इन माइंड. एंड अगेन, यस, वी हैव सलमान खान, सो हु इज लाइक द एपिटोम ऑफ फिटनेस ऑन स्क्रीन. यस, सो देयर इज नो वे कि हम, एज यू सेड, कि हमारे जिम टाइमिंग्स ऑलमोस्ट साथ में रहते थे. तो अगर एक जन भी का मूड नहीं होता था जिम में जाने के लिए, तो वो अगला उसको मोटिवेट कर लेता था, चलना यार, चलते जिम, एक ही दो घंटा जाना है, दो ही दो घंटे जाना है. We want to talk about songs because आपके song performances highlight रहती है उसमें, everybody is waiting for them. इस पिक्चर में आपके कोई फेवरेट गाने, कोई फेवरेट? My favorite song is अल्लाह दुआई है for sure, क्योंकि वो जो recreate किया हुआ है, it's got a little, goth feel to it, ये वाले recreation के अंदर. अच्छा. तो वो एक मेरा अच्छा favorite, one of the favorite songs I would say, and the other song is Selfish, which is a love song, so that's my favorite.
really like. And I have tried doing something new in the song. I have tried Aerial Silk. I have performed Aerial Silk in the song. So I'm really looking forward for everyone to see it. Please come and see our film Race 3.